लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी श्रृंखला में आज विकास ठाकरे द्वारा नामांकन दर्ज किया गया है। इसी श्रृंखला में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है। नागपुर शहर में 19 अप्रैल को पहले चरण में जो है चुनाव हो के जो मतदान प्रक्रिया पार पड़ने वाली है, संपन्न होने वाली है। हम देख रहे हैं कि आज जो है नागपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है लोकसभा के विकास ठाकरे ये नामांकन दर्ज करने जाने वाले हैं। और ऐसे में जो है पूरा नागपुर शहर में जो हम देख रहे हैं कि चुनाव का एक रन छिड़ चुका है। और इसमें हम यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या उनका एक कहना है, क्या बताओगे? बस जीतने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। विकास बाबू भारी मतों से जीतने वाले हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं भारी मतों से। क्या बताओगे कि आज जो है विकास ठाकरे ये नामांकन दर्ज करने वाले हैं, बहुत ही ये लड़ाई जो होने वाली है नितिन गडकरी और विकास ठाकरे इनमें है, कद्दावर नेता नितिन गडकरी माने जाते हैं, क्या बोलो? मैडम ये लड़ाई है कि नहीं, जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति ऐसी है। एक तरफ विकास बाबू की तरफ से जनशक्ति है तो उनके तरफ से धन शक्ति है। ये देश बचाने की लड़ाई है, ये कोई आम लोकसभा चुनाव जैसी नहीं है। अभी तो देश खतरे में आया है। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं, ये मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं, इसलिए ये लड़ाई पूरे देश में आर पार की होंगी। और यहाँ से भी लोग एक जो लोगों के साथ 24 घंटे रहता, लोगों में एक वो नेता है, एक एसी में बैठने वाला नेता है, लोग चुनेंगे। क्या बताओगे आज जो नामांकन दर्ज करने जा रहे विकास ठाकरे अपने लोकसभा चुनाव के लिए, कार्यकर्ताओं में किस तरह की स्थिति है? बहुत मैडम, बहुत बड़ा जोश है, उत्साह है। विकास बाबू का जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ उसी दिन से पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे नागपुर शहर में एक अलग टाइप का वातावरण है। ऑलरेडी विकास बाबू आमदार है, नागपुर शहर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, और वैसे भी उनका जो कार्य है हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए आधी रात को दौड़ के जाने वाला व्यक्ति महत्व है। और मैडम सबसे बड़ी बात, आज अपन यहाँ खड़े हैं, ये संविधान चौक है, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है। और यहाँ से इसके पहले भी कई बार कांग्रेस बड़े और अच्छे मतों से जीत के आ चुकी है। आज भी हमारे को और पूरे कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से अपेक्षा है, नागपुर वासियों को अपेक्षा है कि विकास बाबू बहुत बड़े बहुमतों से ये इलेक्शन जीतेंगे। ऐसी हमारी सबकी मनोकामना और पूरी उम्मीदें उनके साथ लगी हुई है और पूरे कार्यकर्ताओं में फुल फॉर्म में जोश लगा हुआ है। बस हम देखते हैं कि कांग्रेस में कई बार गुटबाजी जो है गुटबाजी देखने मिली है, अभी क्या कार्यकर्ताओं में स्थिति है? नहीं, अभी गुटबाजी का कोई विषय नहीं है, सब नेता साथ में है और ये इलेक्शन ऐसा है कि आर पार की लड़ाई का इलेक्शन है। सभी हमारे नेता एक साथ एक मंच पे आके इस इलेक्शन को 100% जीतेंगे। रहा सवाल विकास भाऊ का, तो विकास भाऊ जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और उनकी जो नीचे से, पहले वो कॉर्पोरेटर रहे, बाद में नागपुर महानगर पालिका के मेयर रहे, उसके बाद में आमदार रहे और अभी भगवान की दया से और लोगों के आशीर्वाद से वो फिर से लोकसभा में गडकरी जी को चुनौती देकर भारी मतों से चुन के आएंगे। क्या बताओगे किस तरह का जोश है कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल डेफिनेटली पक्का जोश है, गाँव गाँव से लोग आ रहे, अभी आएंगे, अब जुट रहे हैं हम, काफी उत्तर नागपुर से भी काफी लोग आए हैं, तो जोश तो पक्का है और विकास दादा विजयी होने वाले हैं इस बार, पक्का पक्का। 10 साल के इनके जो अत्याचार पे हमारे विकास दादा भारी रहेंगे, पक्का डेफिनेटली पक्का। विकास ठाकरे नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं लोकसभा के लिए, क्या बताओगे आप भी कांग्रेस से हो, किस तरह की स्थिति है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में? मैडम कार्यकर्ताओं में पूरा पूरे तरीके से जोश है। बेसिकली विकास भाऊ जो कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं में ये जोश है कि हमारे नेता को लोकसभा की दावेदारी मिली है और ये शक्ति, ये जो लड़ाई है मैडम, ये धन शक्ति विरुद्ध जन शक्ति है। आपने देखा होगा कि विकास भाऊ मैक्सिमम टाइम में कार्यकर्ताओं के लिए दौड़ने वाले और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने वाले में से है, इसीलिए विकास भाऊ को भारी मतों से विजय होगी और फाइट बहुत फाइट तगड़ी रहेगी और जीतने के लिए लड़ रहे और जीतेंगे भी, जरूर जीतेंगे। विकास ठाकरे इनका प्रचार प्रसार आप कार्यकर्ता के तौर पर कैसा करने वाले हो? हम अभी विकास भाव के प्रचार के लिए जितना हो सके डोर टू डोर लोगों को घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि विकास भाव ने नागपुर के लिए क्या किया है। मैडम सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो विकास भाव नगर सेवक थे, बाद में महापौर चुन के आए, महापौर चुन के आने के बाद विकास भाव
विधायक बने, इसी से ये दर्शाता है कि विकास भाऊ ने नागपुर के लिए कितना काम किया है और इतने बार नागपुर में चुन के आए हैं और नागपुर की जनता विकास भाऊ को कितना चाहती है, और ये दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में विकास भाऊ जरूर विजयी होंगे और हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। विकास ठाकरे जो है इन्होंने अब तक जो है कई चुनाव लड़े हैं, अभी लोकसभा के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, आज नामांकन उनका दर्ज होने वाला है, क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, आज उनका नामांकन होने वाला है और हमें खातरी है कि विकास भाव चुन के आने ही वाले हैं, क्योंकि 10 साल में जो गंदी राजनीति भाजपा सरकार ने खेली हुई है उस गंदी राजनीति के उपलक्ष्य विकास ठाकरे जी खड़े हैं, उनके साथ पूरी जनता खड़ी है और इस गंदी राजनीति को खत्म करने का काम विकास भाव करेंगे, ये हमें खातरी है। तो हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में जो है विकास ठाकरे इनके नामांकन को लेकर काफी जोश और उत्साह है, आज नामांकन दर्ज होने वाला है और वैसे ही प्रचार और प्रसार को लेकर जो है कार्यकर्ता भी जो है उत्साह के साथ जुड़ गए हैं और सभी का समर्थन यहाँ है, गुटबाजी भी नहीं है, ऐसा भी कार्यकर्ताओं का कहना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।